बेगूसराय जिले के मंझौल सब्जी बाजार स्थित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नया टोला मोहनपुर निवासी मुड़िया एवं अंडा के थोक विक्रेता अफजल मियां के पुत्र इजुप मियां के साथ बीती रात अपनी दुकान बंद कर अपने घर की ओर निकला। तभी रास्ते में सिबरी पुल के पास पीछे से दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार अपराधी ने अचानक उसकी आंखों में लाल मिर्च की पाउडर तेजी से डाल दिया और उसका मोबाइल फोन ड्राइविंग लाइसेंस छीनकर भाग गया। इस तरह की घटना होने से मंझौल क्षेत्र के आसपास के दुकानदारों में खासकर देर रात घर जाने वाले दुकानदारों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पीड़ित दुकानदार ने मंझौल ओपी थाना प्रभारी से आवेदन देकर ये अपील की है कि इस तरह की वारदात दोबारा न घटे, जिससे मंझौल क्षेत्र के सभी दुकानदार पूर्व की भांति निश्चिंत होकर अपनी दुकानदारी व चैन व शांति के साथ समाज में जी सके। आपको बताते चले कि कुछ दिन पूर्व भी एक घटना दुकानदार के यहाँ चिंताई की घटी हुई थी। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से कुमार गौरव की रिपोर्ट। ये जो है अच्छा, क्या हुआ था आपके साथ? रात में 8 बजे जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? घर। कहाँ से जा रहे थे? दुकान बंद करके। अच्छा, क्या हुआ बताइए। तो इनमें कुछ दो आदमी थे और मिर्च का गुंडी आँख पे छीट करके जी, और मोबाइल और ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ खुदरा था वो अपना ले लिए। अच्छा, कहाँ पर हुई थी ये घटना? पुल के नीचे। कौन सा पार? कौन सा पुल? सिबरी पुल मंझौल पंचायत 4 में जी। अच्छा, बेगूसराय जिला। अच्छा, आपका घर कहाँ हुआ? मोहनपुर पता, नया टोल मोहनपुर। अच्छा, बेगूसराय जिला में? बेगूसराय मुफस्सिल थाना। अच्छा, तो ये घटना हुई मंझौल ओपी क्षेत्र में? मंझौल ओपी क्षेत्र में। अच्छा, इसका आवेदन यही दिया आप थाना पर? जी। तो कितने बजे की घटना हुई थी? रात 8:15 बजे। अच्छा, तो इस मामला के बाद आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं मोबाइल हमारा मिल जाए और आइंदा ये घटना ना हो, इसी द्वारा हम थाना पदाधिकारी से अपील करते हैं कि इस तरह घटना ना हो, कार्रवाई करें।